बुलंदशहर में गद्दा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने से लाखों का माल जलकर खाक हो चुका है। सूचना के बाद मौके पर दमकल विभाग पहुंचा है। दमकल विभाग की 7 गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश में जुटी है। सिकंदराबाद इंडस्ट्रियल एरिया के NH91 का ये मामला है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, बड़ी और अहम खबर बता दें, जहां आग लगने से आपको बता दें लाखों का नुकसान फैक्ट्री में हो चुका है। गद्दा बनाने वाली ये फैक्ट्री थी, गद्दा फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। बड़ी और अहम खबर आपको हम बता दें, गद्दा फैक्ट्री में भीषण आग लगी है और आग लगने से लाखों का माल जलकर खाक हो चुका है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, लाखों का माल जलकर खाक हो चुका है। सूचना के बाद मौके पर दमकल विभाग पहुंच चुका है और जांच की जा रही है। मौके पर दमकल विभाग पहुंच चुका है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, धू धू कर ये फैक्ट्री जल रही है। दमकल विभाग की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई है और आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। सिकंदराबाद इंडस्ट्रियल एरिया के NH91 का ये मामला बताया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं आग कितनी भयंकर यहां पर लगी है और लाखों का सामान इस फैक्ट्री में रखा हुआ जलकर खाक हो चुका है। बुलंदशहर से बड़ी खबर, गद्दा बनाने की फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। आग की लपटों में घिरी हुई आप ये फैक्ट्री देख सकते हैं। दमकल विभाग के कर्मी यहां पर पहुंचे हैं। कुल 7 गाड़ियां यहां पर पहुंची हैं, लेकिन फिर भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। सूचना के बाद मौके पर दमकल विभाग पहुंचा है और अभी भी कड़ी मशक्कत आग पर काबू पाने के लिए यहां पर जारी है।